बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोरक्ष पीठ की, गोरक्ष पीठ की, भगवान श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। आज इस जगत जननी जगदम्बिका माँ काली के इस पावन प्रांगण में जनपद बस्ती के आयोजित स्वच्छता समरसता इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। मंच पे मेरे साथ उपस्थित जनपद बस्ती के जो इस मंच का की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय जिला अध्यक्ष शशिभूषण सिंह जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री बबलू निषाद जी, हम सब का जो आज इस कार्यक्रम का सिस्टम से संचालन कर रहे श्री विनय सिंह जी, जो इस संगठन के महामंत्री भी हैं, जिला महामंत्री आदरणीय कन्हैया लाल जी, जिला संगठन के उपाध्यक्ष हैं अर्जुन पंडित जी, मंत्री हैं दुर्गेश भारतवंशी जी, घनश्याम मिश्र जी, जिला मीडिया प्रभारी हेमी सिंह जी, जिला मीडिया के सह प्रभारी विवेक हिंदू जी, धर्मेंद्र कुमार जी, विजेंद्र कुमार जी, कृष्ण कुमार चौरसिया जी, गंगाराम जी, और इस आयोजन मंडल में जो सहयोगी रहे हैं आदरणीय बाबूराम वर्मा जी, अशोक कुमार गौतम जी, राजेश कुमार तिवारी जी, राम कुमार साहू जी, लालजी वर्मा जी, धर्मेंद्र आर्य जी, धर्मेंद्र राजभर जी, रमेश वर्मा जी, कुलदीप कुमार जीवन जी, विश्राम मौर्य जी, और ब्लॉक के संयोजक प्रमुख रूप से सेंटर हुआ अरुण कुमार मिश्र जी का मैं इस आयोजन के लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से इस हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में आयोजित मेरे वीर धीर रणधीर कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, छायाकार मित्रों, सहभोज का कार्यक्रम एक ऐसा पवित्र आयोजन है जिसके माध्यम से हिंदू समाज के ऊंच नीच, छोटे बड़े सारे लोगों को एक पंक्ति में बैठा करके भोजन करने का उत्तम अवसर मिलता है। मित्रों, भी अर्जुन पंडित जी बता रहे थे, आदरणीय संयोजक जी भी बता रहे थे कि सहभोज के माध्यम से समरसता का जो अंकुर फूटता है वो तो पूरे क्षेत्र में एक पट वृक्ष बन करके काम करता है, एक पट वृक्ष बन करके छाया देता है। मित्रों, नौजवान साथियों, जब पूज्य ब्रह्मलीन महंत गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज ने ये मन में विचार किया कि किस तरीके से समग्र हिंदू समाज को एक मंच पे लाया जा सकता है, तो उनके मन में बहुत अच्छा विचार आया। वह विचार आया कि समग्र हिंदू समाज को एक पंक्ति में भोजन करा करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे खेतों में कौन से लोग काम करते हैं, हमारे खेतों की जुताई कौन करता है, हमारे खेतों में बीज कौन बोता है, हमारे खेतों में खाद कौन डालता है, हमारे खेतों में पानी कौन लगाता है, हमारे खेतों से वो जो फसल तैयार हो जाती है कौन काटता है, और यहीं तक नहीं, जब फसल तैयार हो जाती है काट करके मेरे खलिहानों में लाता है और उसकी मड़ाई कौन करता है, और मड़ाई वही व्यक्ति करता है जो शुरू से जुताई करके वहां पहुंचा है, और मड़ाई करके जो हमारे घरों में ला करके हमारे भंडारण स्थान पर के उस आपके अन्न को रखता है, और उसमें निकाल करके जब वो मैदा बनाने के लिए जाता है तो भी वो परिश्रम वही व्यक्ति करता है, लेकिन जब वो भोजन तैयार होता है तब आप दो तरीके के भोजन तैयार करते हैं अपने रसोइयों में, एक तो अपने परिवार के लिए भोजन परोसते हैं, दूसरा उस व्यक्ति को खिलाते हैं। उस व्यक्ति को कहाँ खिलाते हैं, से बाहर ले जाकर खिलाते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि वह व्यक्ति आपके लिए जब ऐसा अवसर आएगा कि आपको विपत्ति के अवसर पर क्या वो आपके साथ खड़ा होगा, कतई नहीं खड़ा होगा। तो इस नाते इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज ने एक युक्ति सोची और समरसता सहभोज
और अपने आप को उन्होंने इसके माध्यम से पूरे देश को जो संदेश दिया है वो मेरे नौजवान साथियों अभी आप लोगों ने बताया और पंडित जी ने भी विस्तार रूप से बताया, आदरणीय संयोजक जी ने भी बताया। मैं थोड़ी उन्हीं के बात थोड़ी अपनी भी बात जोड़ देता हूँ। जब ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज बनारस के तटों पे जाते हैं, बनारस के घाटों पे जाते हैं और उनकी दशा को देखते हैं, उनके लोगों को देखते हैं, तो लोग इधर उधर घूम रहे हैं और इस नाते घूम रहे हैं जो अंतिम संस्कार करता है व्यक्ति उसको दोनों दर्जे की दृष्टि से देख करके वहाँ के पंडा लोग, वहाँ के लोग जो वहाँ के अपने लोग थे उनको बैठने तक नहीं देते हैं। पूज्य महाराज जी ने सारे लोगों को इकट्ठा किया, डोम राजा को बुलवाया, उनके परिवार से लोगों को बुलवाया और कहा सारे के सारे लोग एक एक मुट्ठी चावल, एक एक मुट्ठी आटा, एक एक मुट्ठी दाल और सब्जियों के कुछ पैसे लेकर के आओ। लोग अचंभित हो गए, लोग पूज्य महाराज जी की तरफ देखने लगे। पूर्व पूज्य महाराज जी ने कहा मेरी तरफ मत देखो, जो मैंने कहा यदि मुझे संत मानते हो, महंत मानते हो, रथवीर के पिताधीश्वर मानते हो तो जो मैंने कहा उसको करिए। होता क्या है, देखते ही देखते वहां भंडार लग जाता है, आटा का भंडार लग जाता है, चावल का भंडार लग जाता है, दाल का भंडार लग जाता है, सब्जियों का भंडार लग जाता है और सारे के सारे लोग मिलकर के व्यंजन तैयार करते हैं। और मेरे जो नौजवान साथियों मित्रों, जब व्यंजन तैयार होता है पूज्य महाराज जी के साथ भी कुछ संत गए थे, लेकिन होता क्या है उन संतों को धीरे धीरे वहां से और पीछे से निकल जा रहे हैं। और जब डोम राजा को आमंत्रित किया जाता है, सारे के सारे लोग एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करते हैं तो डोम राजा खड़े होकर के उसके आंखों से आंसू आने लगता है। मेरे नौजवान साथियों आप बताइए, जब आप किसी के साथ मिलकर के खा नहीं सकते, किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकते तो जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी, लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके साथ कैसे खड़ा होगा। वो डोम राजा कहता है महाराज जी आज मैं धन्य हो गया, पीठ का पीठ हमेशा बना रहे, आप आकर के आज हमारे बीच में भेदभाव खत्म कर दिए। महाराज जी का यह संदेश आप पूरे भारत में ही नहीं अभी तो भारत से बाहर भी जाता है और हिंदू समाज के लोग सूत्र में बंद करके सहभोज का कार्यक्रम करते हैं। इसी तरीके से गोरखपीठ के पीठाधीश्वर और सौभाग्य हम सब का है, हिंदू समाज का है कि मेरे पूज्य महाराज जी इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के लोग में रूप में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है। उन्हीं के पदचिन्हों पे चल करके हम आज आपके बीच में आए हैं। मेरे नौजवान साथियों मित्रों, सामने बैठे बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी जनपद में दो वीर हम लोगों के साथ काम करना शुरू किए थे, उनको मैं सत सत नमन और वंदन करता हूँ। आदरणीय ओझा जी विष्णु दत्त ओझा जी, जब मैं जिले का अध्यक्ष, जनपद गोंडा का अध्यक्ष था उस समय प्रदेश के वो संयोजक के रूप में काम करते थे, मैं प्रदेश का मंत्री हुआ उस समय भी प्रदेश के संयोजक के रूप में काम करते थे और जब मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ तो मैं उनको बीच में अपने नहीं पा रहा हूँ, मन से कितनी पीड़ा है आप सब जानते होंगे। और इसी तरीके से मेरे छोटे भाई के रूप में जब भी इधर से निकलते थे, लखनऊ जाना होता था या जनपद बस्ती में कोई कार्यक्रम होता था तो अज्जू हिंदुस्तानी कहते भैया प्रणाम। अयोध्या मैं फैजाबाद मंडल का भी प्रभारी रहा हूँ, पूज्य महाराज जी ने मेरे ऊपर और विश्वास व्यक्त किया, मैं बुंदेलखंड का प्रभारी होगा थोड़ा सा महाराज जी ने और विश्वास व्यक्त किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जाता हूँ और जाकर के आपके बीच के आपके घर का हूँ, पड़ोस का रहने वाला हूँ, आपका संदेश उनको देता हूँ, गोरखपीठ जी महाराज का संदेशा देता हूँ। मेरे नौजवान साथियों निवेदन करने आया हूँ, जब एक साथ आप मिल करके काम करेंगे, पहली बार 1914 में 2014 में पहली बार हिंदू समाज के लोग मात्र 45% इकट्ठा हुए, पूरे भारत के 45% हिंदू समाज के लोग एक मंच पे आए, एक ऐसे महर्षि को आपने प्रधानमंत्री बना दिया जिसका डंका आज पूरे विश्व में बजता है, ऐसा आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके थोड़ा सा और आगे आप बढ़े, 52% हिंदू समाज के लोग एक मंच पे आए तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को गोरखपीठ के पीठाधीश्वर को उत्तर प्रदेश की कुर्सी आप लोगों ने दे दी। आज कुछ लोग प्रायोजित होकर के, कुछ लोग आपके बीच में प्रायोजित होकर के आपके प्रदेश के नहीं हैं, वो पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं जिनको नशे का
अंतरराष्ट्रीय जगत में नशे का एक षड्यंत्र रचा जाता था जो ब्रिटेन और इंग्लैंड यहाँ से आता था और पंजाब के लोगों को अवगत करके उनको समाप्त करने नशा में चूर चूर करने का प्रयास जो अंतरराष्ट्रीय जगत में हो रहा था उसको आपके आदरणीय मोदी जी ने बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी नशे की चीज चाहे अफीम हो चाहे उच्च कोट का नशे का सामान हो भारत में नहीं आ सकता। तो उनके बीच में उन माफियाओं के बीच में खलमंडली मच गई, उन माफियाओं के बीच में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो पंजाब के कुछ लोगों को एमएसपी क्या है, कहां कूद रहे हैं, किसकी मंशा में कूद रहे हैं, अरे आप बताइए मेरे मेरे खेत में अगर 10 क्विंटल अनाज पैदा होता है और मैं चाहता हूं कि मैं पंजाब की मंडी में बेचना चाहूं, मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली के मंडी में बेचना चाहूं, मैं चाहता हूं कि हरियाणा की मंडी में बेचना चाहता हूं, तो उसको क्यों रोक रहे हो। यहाँ 1500 रुपए मिल रहा है प्रति क्विंटल, वहाँ 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। अगर हम 10-20 किसान मिलकर के एक ट्रक माल तैयार करके उस मंडी में बेचेंगे तो 2400 रुपए क्विंटल मुझे मिलेगा, इस पे तुम्हारी क्यों नानी मर रही है, ये सोचने का विषय है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में काम करता हूँ, हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करता हूँ, आपके बीच में आया हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपसे विनय पूर्वक निवेदन करने आया हूँ, समग्र हिंदू समाज के लोगों अब इकट्ठा हो जाओ, नहीं वो समय आने वाला है कि आपके पास मोदी और योगी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने कहीं गलती कर दी, आपने कहीं अलग चले गए, खेत खलियान ऊंच नीच के चक्कर में चले गए, तो निश्चित रूप से इस भारत को कल्याण करने का कोई अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपसे फिर भी विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ, आपको केवल 15 वर्ष पूर्व ले जाना चाहता हूँ, 15 से 18 वर्ष पूर्व थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे नौजवान साथियों मित्रों, जब कश्मीर के अंदर हिंदू समाज के लोग जैसे यहाँ पे इकट्ठा हुए हो आप सब, ऐसे जाते थे बड़े बड़े व्यवसायियों के यहाँ, बड़े समाज के बड़े बड़े व्यवसायियों के यहाँ जाते थे, वो कहते थे हे हिंदू समाज के बड़े व्यवसायी, आप ओजस्वी हो, आप अन्नदाता हो, आप इकट्ठा हो जाओ, नहीं यहाँ के तमाम लोग हम सबको अपदस्त कर देंगे, बाहर कर देंगे, हत्या कर देंगे। जानते हो वहाँ के बड़े बड़े व्यवसायी क्या कहते थे, जिनके पास सेबों का बैग बाग होता था, जिनके पास जलाशय होते थे, जिनके पास बांस की मंडियां होती थी, कहते थे करोड़पति अरबपति लोग, अरे मैं 2 नहीं 4 गनर रख लूंगा, तुम अपने लिए जाओ काम करो। और स्थिति क्या आई मेरे नौजवान साथियों, जब पाकिस्तान से वो कठमुल्ले आकर के हमारे नौजवानों को घरों से निकाल करके और घरों से बाहर पे फील्ड में खड़े कर करके उनकी उनकी बहू बेटियों के उनके माता पिता को सामने ला करके उनके सामने बरात करके उनके स्तनों को काट करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख के उनकी हत्या कर देते थे, हम क्या कर पाए। और वहां से 1,03,00,000 कश्मीर ब्राह्मणों को निकाल करके बाहर कर दिया। आज हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों पे जाकर के 18x18 और 15x15 के छोटे से टेंट में रह करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, आप क्या कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा समय कोई आएगा आपके बीच में आकर के ऐसे कृत्य होगा तो आप कहां जाएंगे, आप अपने अपने बच्चों को कहां बिठाएंगे, आप अपने बच्चों से क्या कह के जाएंगे, अरे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपके पास केवल एक चारा बचेगा, वो चारा होगा आत्महत्या, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस नाते विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, आपके बीच में आया हूँ, जब भी संयोजक जी का अध्यक्ष जी का या बस्ती जनपद के किसी भी व्यक्ति का जो हिंदू युवा बहनी और हिंदू समाज का के लिए काम कर रहे हैं उनका दिशा निर्देश प्राप्त होता, आता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा, जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी। एक बार विनय पूर्वक निवेदन करते हैं, अपनी बात को समाप्त करता हूँ, एक सूत्र में बन जाइए, छोटी मोटी राजनीति को बाहर फेंकिए और इस समय राष्ट्र निर्माण का अवसर है। भगवान श्री राम का वह मंदिर जो युगों युगों से हम नहीं देख पाए केवल संभव हुआ है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हम सबके गुरु और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाते हुआ है। कई पीढ़ियां हमारी बलवेदियों पे चढ़ गई, आपने देखा होगा, अरे इससे भी पूर्व में कुछ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब कहते थे कि भगवान श्री राम के मंदिर के किनारे भी उत्तर प्रदेश नहीं भारत के किसी कोने से कोई हिंदू आएगा तो उस
को कत्ल करा दिया जाएगा। अरे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यही का एक आताताई मुख्यमंत्री ने कहा था कि उस मस्जिद को जो हाथ लगाएगा उसके हाथ को काट दूंगा और जो भी आएगा, ये कहा करते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लेकिन वाह हिंदू वीरों, आपने उस 464 पर जो करंग का टीका आपके सर पे लगा था उखाड़ के फेंक दिया और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और पूज्य मोदी जी के मार्गदर्शन में वह मंदिर बन रहा है। हम सब धन्य हैं। लोग कहते थे विदेशों में कि ये हिंदू समाज क्या कर सकता है जो अपने आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर नहीं निर्माण करा रहा पाता, ये क्या कर पाएगा। आज पूरे विश्व में हिंदू समाज का डंका बज रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डंका बज रहा है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो चीन का राष्ट्रपति हो, चाहे वो इंग्लैंड का मुखिया हो, चाहे ब्रिटेन का मुखिया हो, चाहे जहां का मुखिया हो, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी के चरणों में सत्संग वंदन करता है। मेरे नौजवान साथियों, आप जानते हैं कुछ दिन पहले डोपलांग में भी एक झटका हुआ। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो उस 5 से 7 किलोमीटर भारत का वो क्षेत्र चीन कब्जा कर ले गया होता, लेकिन क्या हुआ, अरे उसको ढकेल करके मोदी जी ने चीन के पेचिंग में भेज दिया। मेरे नौजवान साथियों मित्रों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, आप एक सूत्र में बन जाइए, भेदभाव ऊंच नीच की भावना को छोड़िए, अरे सब हमारे सब आर्य हैं, हिंदू समाज तो आर्य है, हिंदू समाज से ही जो डर गए मर गए नपुंसक थे वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, और हिंदू समाज में जो पेवर बचे हैं, जो पेवर सोना बचा हुआ जिसको ओरिजिनल गोल्ड कहते हैं, वो आप सब है और आप सब एक सूत्र में बन जाए। यही बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ।